ठीक है, तो आज हम ग्रेविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वॉइस रिफ्लेक्ट थोड़ी हो रही है, वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में कोई इश्यू है क्या? अच्छा, ओके ओके। ठीक है, सारे ऐड हो गए। हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10। ठीक है, देखो जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, हमने स्टडी किया था उसमें एक तो फोर्स, ओके, एंड सेकंड था उसमें मास, एंड थर्ड था मोशन, ओके, एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एंड और हमने स्टडी किया था इसमें लॉ ऑफ न्यूटन्स। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी किया था हमने, तो आपको ये तो मालूम होगा कि व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट इज द मास। ठीक है, ठीक है, हमने स्टडी किया था फोर्स के बारे में एंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के बारे में और मास के बारे में। ठीक है, इनके बारे में तो स्टडी कर लिया था। अब आगे जो हम ग्रेविटी स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटी में सबका इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रेविटी का। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड है एंड ग्रेविटी मास पे डिपेंड है। ठीक है, और हमने स्टडी किया था जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें मोशन स्टडी किया था। ठीक है, मोशन कैसे, कोई बस जा रही है, ठीक है, कोई आ रही है, या कोई पर्सन रनिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने उसमें ग्रेविटी इफेक्ट नहीं देखा था। ठीक है, लेकिन जो अब स्टडी करेंगे उसमें हम मोशन अंडर ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है, और ग्रेविटी मास पे कैसे डिपेंड होती है, और ग्रेविटी एंड फोर्स का क्या रिलेशन है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले तो मैं ले रहा हूं सबसे पहले मास। ठीक है, तो मास की डेफिनेशन तो आपको मालूम है, व्हाट इज द मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, ओके, और सेकंड क्या था, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को मेजर करने की भी यूनिट क्या है, मास। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मास का ग्रेविटी से क्या रिलेशन है। ठीक है, जो ग्रेविटी हमारी डिपेंड होती है वो टोटल डिपेंड होती है मास पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रेविटी क्या होती है। ये सपोज ये पेन है, ओके, मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड साइड जा रहा है, ओके, और भी कोई ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं, कोई बॉल हुआ या बुक हुआ, ठीक है, या फिर डस्टर हुआ या स्टोन हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता हूं या छोड़ देता हूं, तो वो हमेशा अर्थ की ओर ही आती है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाती है, ना कि वो हॉरिजॉन्टल जाती है, ना कि वो ऊपर जाती है, सीधे नीचे ही आती है। और नीचे क्यों आती है, डाउनवर्ड साइड क्यों आती है वो। ठीक है, तो साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि न्यूटन था, न्यूटन ने बताया कि अर्थ है, हमारी अर्थ एक ऐसा फोर्स एग्जर्ट करती है हर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक
इसलिए वो अर्थ की ओर जाती है। आप कोई भी स्टोन ऊपर फेंको तो थोड़ी दूर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर जाने के बाद में वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप किसी टेरेस पे हो कि मकान के टेरेस पे हो, वहां से कोई भी नीचे छोड़ दो या गिराओ कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, वो भी हमेशा अर्थ ही हो आएगा। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एग्जर्ट करती है। ठीक है, और कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। जो हमारा अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करती है या खींचती है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटी इफेक्ट क्या होता है? अर्थ के द्वारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का या अट्रैक्ट करने का फैक्ट होता है, उसको ही हम ग्रेविटी इफेक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल इसका एग्जांपल है, जैसे ये पेन है, मैं इसको गिरा रहा हूं, ठीक है, नीचे आएगा वो। क्यों? अर्थ एक फोर्स लगा रही है जो कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। या फिर कोई न्यूटन ने कैसे देखा था? देखो, न्यूटन को कैसे मालूम चला? न्यूटन था, साइंटिस्ट था, उसने डेवलप किया था ग्रेविटी। ठीक है, जो ग्रेविटी फॉर्म थी या ग्रेविटी था उसकी खोज न्यूटन ने की थी। कैसे की थी? एक ट्री था, ओके, एक ट्री था किसका? एप्पल का। न्यूटन उसके नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, तो उसने देखा कि सडनली एक एप्पल था वो पेड़ से टूट के नीचे आ गिरा न्यूटन के सामने। कहां पर? अर्थ पे। ये एप्पल था जो भी, तो न्यूटन ने बैठे बैठे सोचा उसने कि जो एप्पल था ये ऊपर था पहले तो ट्री पे, वो टूट के नीचे क्यों आया? उसको वो एप्पल था ऊपर जा सकता था, ईस्ट डायरेक्शन जा सकता था और वेस्ट में भी जा सकता था, चार डायरेक्शन होती है, कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो नीचे क्यों आया एप्पल? फिर उसने एक और देखा, एक स्टोन को ऊपर फेंका, थोड़ी देर बाद में वो भी नीचे आ गया। तो उसने देखा हर कोई चीज जो भी एक सर्टेन हाइट से या फिर मैं अर्थ की ओर ड्रॉप करता हूं या उसको रिलीज करता हूं, तो अर्थ वो हमेशा अर्थ की ओर ही आता है और किसी डायरेक्शन में नहीं जाता। तो उसने ये गैस किया कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है वो एक सर्टेन फोर्स लगाती है। कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स, जो कि हर जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर है, उसको अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और जो फिर वो खींचती है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस इफेक्ट को उसने नाम दिया था ग्रेविटी इफेक्ट, और जो फोर्स था उसको बोला था उसने ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स कि हर अर्थ, हमारा अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है उस फोर्स का हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल था ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ग्रेविटी कहलाता है। अच्छा, अब एक और मैंने बताया था, अब देखो ये तो हमको मालूम चल गया कि हमारा अर्थ था वो अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसको हमने ग्रेविटी बोल दिया। लेकिन अब मैं बोलूं हमारा अर्थ है वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा था, अर्थ था वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा था? तो देखो, जो हमारा अर्थ था, ये हमारा अर्थ हो गया, ओके, ऐसा होता है अर्थ हमारा। तो पहले तो कोई, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, बोलो तो, होता नहीं है, खोखला नहीं होता, सॉलिड होता है वो अर्थ। तो पहले कोई बताएगा कि अर्थ की शेप कैसी होती है? चैट बॉक्स में टाइप करो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। किसी को मालूम है अर्थ की शेप कैसी होती है? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? स्फेरिकल, तरुण, स्फेरिकल। ओवल, नैन्सी स्पेरिकल, अनिशा स्पेरिकल, विक्रम स्पेरिकल, प्रियंका स्पेरिकल।
देखो ये रोंग है, ठीक है, हमारा अर्थ स्फेरिकल नहीं होता, लेकिन हमको स्टडी क्या करा गया, हमको बताया था कि हमारा अर्थ स्फेरिकल होता है, लेकिन अर्थ है ना वो स्फेरिकल नहीं होता। स्फेरिकल क्या होता है, गोला, ठोस गोला, जैसे कोई बॉल होती है जो कि ठोस होती है, ठीक है, सॉलिड बॉल होती है, उसको हम स्फेयर बोलते हैं, लेकिन हमारा अर्थ स्फेयर नहीं है, ठीक है, तो हमारे अर्थ की शेप को हम बोलते हैं जियोइड। ठीक है, ये जियोइड है हमारा अर्थ की शेप, ठीक है, हमारे अर्थ को हम बोलते हैं जियोइड शेप। अब जियोइड शेप कैसी होती है, होता तो सॉलिड है ये, लेकिन स्पेयर ना होके जो इसका टॉप पोर्शन एंड जो बॉटम पोर्शन होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है, पिचका वो होता है, ऐसी शेप होती है हमारे अर्थ की। आपने देखा होगा जो ऑरेंज आता है, ऑरेंज जैसे एप्पल तो क्या होता है, गोल होता है, लेकिन जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज को हम देखा होगा कि टॉप वाला पोर्शन थोड़ा सा पिचका हुआ होता है और बॉटम वाला थोड़ा पिचका हुआ होता है। ऑरेंज जैसे तो आप देखा है आपने, ऑरेंज की ऐसी शेप किसने देखा है, टाइप करो यस और नो, देखा हो तो। ऑरेंज थोड़ा सा होता तो राउंड ही है, वो गोल होता है स्फीयर, लेकिन टॉप और बॉटम थोड़ा सा कंप्रेस होता है वो। देखा, प्रिया ने देखा है, अनिशा ने देखा है, तरुण ने, यस, ठीक है। तो हमारे अर्थ की जो ओरिजिनल शेप होती है वो होती है जियोइड शेप, बोलते हैं उसको जियोइड शेप बोलते हैं। और जियोइड शेप में क्या होता है, स्पेयर ना होके टॉप एंड बॉटम जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कंप्रेस होता है वो, या फिर फ्लैट होता है, ठीक है, तभी तो हम सब यहाँ पे रहते हैं इसके ऊपर। अगर ये ऐसे हुआ तो फिर कैसे रह पाएंगे वो, ठीक है, तो ऐसे शेप होती है वो। लेकिन जो हम इसको देखेंगे स्पेस से देखेंगे हम इसको, तो कैसा दिखाई देगा, ये हमको पूरा पूरा स्पेयर दिखाई देता है वो। जैसे सैटेलाइट से देखेंगे हम, या फिर स्पेस से देखेंगे इसको, तो पूरा का पूरा ये स्पेयर दिखाई देगा, हमको ऐसे लगेगा कि ये वाला पोर्शन भी पूरा फिल हुआ है, ठीक है, या फिर कवर्ड है पूरा पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन होता नहीं है वो। आप कभी ऐसे देखना, जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज ऑरेंज को ऐसे जो टॉप पोर्शन होता है थोड़ा फ्लैट होता है वो, आप क्या करना, ऑरेंज को ग्राउंड पर रख देना और ऊपर से देखना, तो आपको फील नहीं होगा ऊपर से देखने पे कि फ्लैट है। ऊपर से है तो आपको ऐसे दिखेगा, आप यहां से देखोगे इसको टॉप व्यू से, आप तो जानते हो ना टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, तो आप इस स्पेयर को टॉप व्यू से देखोगे आप, तो आपको दिखेगा ये स्पेयर, लेकिन जैसे आप इसको साइड व्यू से देखेंगे, ठीक है, तो साइड व्यू से इसकी जो शेप दिखेगी जियोइड, ऐसे फ्लैट पोर्शन दिखेगा इसको, ठीक है। कभी घर पे ना एक्सपेरिमेंट करना, ऑरेंज लेना या फिर जो भी ऐसा कोई ओरिजिनल हो ना, तो ऐसे ले लेना आप, जैसे रोटी बनाते हो, रोटी जो गोले बनते हैं, ठीक है, उसे गोल करके, ऐसे गोल करके थोड़ा सा कंप्रेस कर देना, और आप देख रहे हो उसको साइड में, देख रहे हो साइड में से, तो कैसे दिखेगा वो, टॉप और बॉटम फ्लैश। घर पे खाना बनाओ, रोटी बनाओ, तो जो गोला बनाएंगे हम उसको गोल करके थोड़ा सा कंप्रेस कर देना, हम साइड व्यू देखेंगे तो टॉप और बॉटम फ्लैट दिखेगा, लेकिन उसको नीचे रखेंगे और टॉप देखेंगे तो पूरा पूरा राउंड दिखेगा वो, स्पेयर दिखेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल सा अर्थ की शेप कैसी होती है, अर्थ की शेप होती है जियोइड, ठीक है, एनफ है ये। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको राउंड ही बना रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल में तो जियोइड होती है, समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए राउंड बना रहा हूं। हमारा अर्थ क्या है, ये सॉलिड होते हैं, डेफिनेट सॉलिड होते हैं, और इसका सर्टेन मास भी है, ये मास मान लिया मैंने इसका, इसका मास भी है, ठीक है। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट
मास रखता है वो, जो भी ऑब्जेक्ट मास रखता है वो अपने आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या उन पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी, ठीक है, वो क्या होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स? ग्रेविटी। अब कोई जरूरी नहीं है आप सोचोगे कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ ही लगाती है, मून भी लगाता है, मून का भी मास होता है, तो मून भी क्या करेगा अपने और अपने आसपास जो भी थिंग्स है ऑब्जेक्ट्स है उनको अपनी ओर अट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स, तो उसको हम ग्रेविटी बोल देंगे। तो मैं इसे पूछ रहा हूं, मैंने बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट मास होता है वो हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है, मून की ग्रेविटी, और जो भी अदर प्लैनेट है सन के और प्लैनेट है, ठीक है, सैटर्न वेनस, सबकी ग्रेविटी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें मास है। आप जाओगे मून पे जाओगे वहां भी ग्रेविटी लगेगी, तो ये हो सकता है कि ग्रेविटी कम हो, अर्थ से कम हो, ठीक है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, एक चीज है कि मेरा ये बॉडी है, मुझ में भी क्या है, मास है। आपकी बॉडी है, आप में भी मास है, डेफिनेट मास है। तो बताओ क्या आपकी बॉडी भी ग्रेविटी लगाती है? क्या आपकी बॉडी भी किसी की चीज को पुल करती है? क्या अट्रैक्शन फोर्स लगाती है? क्या आप बताओ आपकी बॉडी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करती है या नहीं करती है? देखो कमेंट बॉक्स में राइट और नो, क्या आप में ग्रेविटी है? क्या अर्थ न्यूटन ने बताया था कि अर्थ में ग्रेविटी है, मैं पूछ रहा हूं क्या आप में ग्रेविटी है? क्या बताएगा? यस और नो? यस तुलसी, यस पायल, यस नैन्सी, यस तनिष्क, यस विक्रम, यस विनीत, यस डेफिनेट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है वो ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करता है, समझ गए? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जहां पर भी मास आ गया, मैंने बोला मास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी मास आ गया तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उसके सराउंडिंग जो भी थिंग्स है उस पर, ठीक है। तो ग्रेविटी सब में होती है। तो आप ये देखोगे, अब आप सोचोगे कि जैसे न्यूटन यहाँ पे ट्री था, ओके, एक ट्री था, न्यूटन यहाँ पे बैठा हुआ था, तो जो एप्पल गिरा था नीचे तो वो अर्थ की ओर ही हो गया, न्यूटन के पास क्यों नहीं आया? यार आप देखो कि आपने कोई स्टोन थ्रो किया, तो देखो स्टोन था वो सामने को दूसरा खड़ा हो, आप सोचेंगे कि दूसरे पर्सन के पास में क्यों नहीं गया वो स्टोन, क्योंकि दूसरा पर्सन था उसका भी मास है वो भी ग्रेविटी लगा रहा है, दूसरा पर्सन वो भी ग्रेविटी लगा रहा है, लेकिन जो स्टोन था या मैंने जो भी बोल की थी वो अर्थ पे क्यों गई वो, ठीक है। तो इसका भी सिंपल सा रीजन है, मैंने बताया था जो ग्रेविटी थी वो डिपेंड करती है किस पे? मास पे। तो जिसका ज्यादा मास होगा वो उतना ही ज्यादा ग्रेविटी अप्लाई करेगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसका कम मास होगा वो कम फोर्स अप्लाई लगाएगा उसकी ग्रेविटी कम होगी, ठीक है। तो अब जो एप्पल गिरा वो अर्थ की ओर ना कि न्यूटन की ओर, क्यों आया? क्योंकि न्यूटन का मास अर्थ के कंपेयर में बहुत ही कम है, ठीक है, तो बहुत ही कम है और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा ग्रेविटी किसकी हो जाएगी? अर्थ के, अर्थ ज्यादा ग्रेविटी हो जाएगी तो कौन अट्रैक्ट करेगा? वो अर्थ करेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बताऊं, अब यहां पर तो अर्थ है, अब ले रहा हूं यहां पे मून, और ये था हमारा अर्थ। अब ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो मून है उसकी साइज और शेप है, जो साइज है उसका या फिर मास है वो अर्थ के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, अर्थ के कंपेयर में कम होता है मून का मास। तो बताओ
कि जो ग्रेविटी लगाएगा मून वो अर्थ से कम होगा या ज्यादा होगा? कम ही होगा, क्यों? मास कम है, अर्थ का मास कम है तो ग्रेविटी कम लगेगा, अर्थ का मास ज्यादा है तो ग्रेविटी ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है? तो ग्रेविटी सीधी सीधी डिपेंड करती है किस पे? मास पे। तो आप कई मूवी में देखा होगा आपने, मूवी में जैसे हॉलीवुड मूवी में आता है कि कोई पर्सन कहां पर गया था, मून पे गया था वो, तो जब वो मून पे जंप करता है, मान लो हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे जंप कर रहे हैं, तो हम कितना जंप करेंगे, मैक्सिमम हम कितनी हाइट अचीव करेंगे जंप में? 3 फीट 4 फीट, ठीक है, 3 फीट या 4 फीट अचीव करेंगे, उसके बाद में अर्थ हमको वापस पुल डाउन कर लेगी। लेकिन आप मून पे जाओगे तो मून पे क्या होगा, आप इससे डबल ट्रिपल, मतलब 3 फीट से आप समथिंग है ना 20 फीट या फिर 30 फीट इतना जंप करोगे आप अर्थ पे। क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटी कम होती है, अर्थ पे ग्रेविटी कम होगी तो हमारा मास भी, हमारा वेट है वो भी कम होगा। और प्रीवियस चैप्टर मैंने बताया था कि वेट और मास और ग्रेविटी में क्या रिलेशन होता है। मास तो मैंने बताया था आपको, मास को तो आप अक्सर जानते हो, मैंने बताया जब मास में मैं ग्रेविटी मल्टीप्लाई दूंगा तो क्या बन जाता है, वेट। जो मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वेट। तो अब अर्थ में देखो ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा है तो इसके इक्वल क्या है, वेट, वेट भी ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वेट इंक्रीज हो जाएगा तो कोई भी, या तो मैं खुद जंप करूं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकूंगा, तो वेट ज्यादा होने के कारण वो जल्दी से नीचे आ जाएगा या फिर ज्यादा हाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगा। लेकिन मून पे क्या होता है, ग्रेविटी कम होती, ग्रेविटी कम होगी वेट कम होगा, ग्रेविटी कम होगी वेट भी कम होगा, तो कम वेट वाला ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा पड़ता फेंक सकते हैं, जिसमें कम कम वेट हो या फिर हमें कम वेट हुआ तो ज्यादा हाइट तक वो जंप कर पाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो है ना मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ये आगे आएगा, आज तो मैं सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ग्रेविटी का, ठीक है, बाकी सारा हम सीक्वेंस से स्टडी करेंगे आगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी कहाँ पर अप्लाई होती है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रेविटी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और ग्रेविटी का मास और वेट से क्या रिलेशन है, ठीक है, मास पे कैसे डिपेंड है। तो आज तो की इंट्रो दे रहा हूं ग्रेविटी के बारे में, बाकी जो सीक्वेंस है वो तो हम स्टडी करेंगे। अब एक और देख लो ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम ग्रेविटी के बारे में, आपको मालूम चल गया ग्रेविटी क्या होती है, लैंग्वेज में तो हम ऐसे बोल सकते हैं डेफिनेशन में कि जो भी हमारा अर्थ है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं और उसके इफेक्ट को हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट बोलते हैं। ये तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेकिन कोई पूछे, कोई जरूरी है कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ ही अप्लाई करे, कि हमें ग्रेविटी नहीं है? यस डेफिनेट है, हर जो ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो ग्रेविटी अप्लाई करेगा, मास कम है तो कम ग्रेविटी अप्लाई करेगा, ज्यादा है तो ज्यादा अप्लाई करेगा, ओके। और ग्रेविटी और जो ग्रेविटी रिलेशन था मास से और वेट से वो भी बता दिया था मैंने अभी इक्वेशन से, और वो आगे भी आएगा, ठीक है। तब एक और चीज बता रहा हूं मैं ग्रेविटी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं अर्थ का बता रहा हूं मैं स्पेयर शेप में, ठीक है, अर्थ की शेप तो होती है जियोइड, लेकिन समझाने के लिए मैं स्पेयर बना रहा हूं, स्पेयर बस टॉप से हमको दिखती है, जियोइड शेप टॉप और बॉटम इसका फ्लैट होता है। तो हमारा जो अर्थ था ऐसे स्पेयर,
ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने कि जो अर्थ के सेंटर में होगी लाइन जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जाती है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एक तो अपर पार्ट, लोअर पार्ट। मालूम आपको इस लाइन का क्या नाम है जो कि इमेजिनरी लाइन है? बोलो, नाम बोलो, इस अर्थ का नाम बोलो, क्या नाम है इसका, टाइप करो, कौन बताएगा? या सोराव इक्वेटर। क्या हुआ अनिशा प्रिया, मालूम नहीं है क्या आपको इक्वेटर बारे में? अनिशा का इक्वेटर आ गया। तुलसी, पायल, यस, तनिष्क, प्रियांशु, नैन्सी, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में होती कुछ नहीं है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। हम जैसे करते हैं, हाँ कोई लाइन है जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ओके। और जो इसका जो टॉप पार्ट है और एक बॉटम पार्ट है, इनको हम बोलते हैं पोल्स। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है या पॉइंट है उसको बोलूंगा मैं नॉर्थ पोल, और जो बॉटम वाला है उसको बोलूंगा मैं साउथ पोल, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। डेफिनेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये हो गया हमारा इक्वेटर। तो देखो, जो हमारा ग्रेविटी थी, हमारी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स था, वो इक्वेटर पे सबसे कम होता है। सबसे कम मीन्स लीस्ट होता है इक्वेटर पे, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, लीस्ट। हमारा ग्रेविटी सबसे कम कहां पर होता है? इक्वेटर पे। और सबसे मैक्सिमम कहां पर होता है? पोल्स पे, नॉर्थ पोल्स पे और साउथ पोल्स पे। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चला कि यहां पे कम होता है इक्वेटर पे और पोल्स पे ज्यादा होते हैं? देखो, ये तो साइंटिस्ट ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले ड्राइव करके हमको बता रखा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, हमको नहीं करना है। हमको इतना याद रखना है बस कि जो इक्वेटर है वहां पर ग्रेविटी फोर्स सबसे कम होता है, और पोल्स है वहां पर ग्रेविटी फोर्स सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमने ये तो पता लगा लिया कि अर्थ के कौन से पार्ट पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और कौन से पार्ट पे ग्रेविटी कम होती है, ये तो हमको मालूम चल गया कौन से पार्ट ज्यादा होती है, कौन से पार्ट्स पे कम होती है, ठीक है। और दूसरा, सपोज कोई पर्सन यहां पर है, इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे हम कोई भी या तो स्टोन है उसको या कोई बॉल है उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो ज्यादा हाइट तक जाएगी वो। ज्यादा हाइट तक क्यों जाएगी? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स पे कम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नीचे तरफ थोड़ा कम खींच रहा है तो थोड़ा ज्यादा हाइट कवर कर लेगा। लेकिन अगर पोल पे, मैं कोई पोल पे पहुंच गया, मैं नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे, और कोई ऑब्जेक्ट है या स्टोन है उसको थ्रो कर रहा हूं अपर साइड में, ठीक है, अपर साइड में उसको थ्रो कर रहा हूं, तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि उस पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और ये तो हमने हमको मालूम ही है कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। ओके, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो यहां पे क्या कर रहा है वो, ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है तो उसको ज्यादा हाइट कवर करने नहीं देगा, क्योंकि वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, पुल फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कर रहा है। इक्वेटर पे कम है फोर्स तो इक्वेटर पे कम है तो ज्यादा हाइट डिस्टेंस कर पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम लगा है वो। तो देखो, इसका यूज तो हमको तो इतना यूज लेना नहीं है इक्वेटर पे, और हमको इतना फील भी नहीं होता,
इसका मेन यूज कहां पे आता है? जैसे आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाएंगे, ऊपर एक स्पेस शटल भी है, या फिर मून पे जाएंगे, वो किसे जाते हैं? वो थ्रू द रॉकेट्स, रॉकेट थ्रू जाएंगे, और रॉकेट ऊपर जाएगा तो डेफिनेट है उस पर भी ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होगा। तो आपने ये तो सुना होगा में कि छात्री सूर्य दिन बाद में धरती पे लौट रहा है, ठीक है, या अमेरिका से जो स्पेस शटल है वो अंतरिक्ष उड़ान भर रहा है अंतरिक्ष के लिए। कल्पना चावला सुना होगा आपने, कल्पना चावला भी कहती है अंतरिक्ष में गई थी वो भी, कल्पना चावला भी। तो वो जिस रॉकेट से जाते हैं उस पे क्या लगता है? ग्रेविटी फोर्स अप्लाई लगता है। और सपोज ग्रेविटी फोर्स लगेगा उस पे, तो जो या जो साइंटिस्ट थे वो रॉकेट को ऊपर भेजते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो स्पेस शटल था या रॉकेट था उस पे ग्रेविटी कम से कम लगे, क्योंकि ग्रेविटी कम लगेगा तो उनका फ्यूल कम खर्च होगा। कैसे? मान लो कोई फोर्स है, फोर्स के अगेंस्ट मैं कोई काम करूंगा, ठीक है, तो मुझे ज्यादा फोर्स की, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे कोई मुझे उधर खींच रहा है, मुझे जाने इधर को है, तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स, ज्यादा एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी की ज्यादा फ्यूल चाहिए, ठीक है। और फोर्स लगा रहा है उधर जीत सकता हूँ, कम कम एफर्ट में, कम फ्यूल में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में जाते हैं, वो कहाँ से उड़ान भरते हैं? इक्वेटर के पास में से। ये ध्यान रखना आपको। आपने कभी अखबार में कभी पढ़ो ना कि आपने देखो, अगर आप न्यूज़पेपर में तो अमेरिका कोई साइंटिस्ट है वो स्पेस से 150 दिन बाद लौट रहा है, वो लैंड कहाँ पे करता है? कजाकिस्तान। जोग्राफी कजाकिस्तान, वो कहाँ पर है? इक्वेटर के पास में है, जबकि अमेरिका तो यहाँ पर है, इतनी दूर है। और लेकिन कजाकिस्तान, कजाकिस्तान इक्वेटर के पास में है, वहां पर ग्रेविटी कम लगेगी, उनको एनर्जी भी कम चाहिए, उसको ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, दैट्स मीन फ्यूल भी कम चाहिए, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ोगा आपने, और कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो आप कि जो अंतरिक्ष यात्री थे या फिर कोई रॉकेट है, ठीक है, वो अधिकतर कहाँ से लॉन्च होते हैं? वो इक्वेटर के पास से, ठीक है। मान लो कोई कंट्री यहाँ भी है गोल के आसपास में, तो वो तो कभी नहीं छोड़ेगा रॉकेट वहां से, तो क्यों नहीं छोड़ेगा? ग्रेविटी ज्यादा अप्लाई होगी, ज्यादा फ्यूल चाहिए, ठीक है, और ज्यादा फ्यूल चाहिए तो इंजन का जो रॉकेट है उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो ये मालूम चल गया आपको कि इतना ध्यान रखना आपको, तो बस पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। अब एक और है छोटा सा, वैसे हमारा टाइम आउट होने वाला है, वेट करो। ठीक है, अब 1 मिनट और है, ठीक है, 1 मिनट सेशन ऑफ हो जाएगा, थोड़ा सा और देख लो कि जो हमारा अर्थ है, ओके, जो अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है उस पर तो ग्रेविटी होती है मैक्सिमम, ठीक है, और जो अर्थ का सेंटर है, सेंटर की ग्रेविटी 0। जैसे हम सरफेस से नीचे तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और या फिर सरफेस से हम दूर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भी डिक्रीज होती है। ये कैसे होता है इसको हम कल बताएंगे, ठीक है। तो देखो सेशन ऑफ हो रहा है अब, तो 1 मिनट में, तो आप तो इतना रखना है बस आज का, इसको कर ले तो बस। इसको हमको फोर्स मालूम है, मास मालूम है, मोशन मालूम है, वेट और मास और ग्रेविटी इन रिलेशन मालूम है, ठीक है। मास की डेफिनेशन को अच्छे से पता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? ग्रेविटी क्या होती है, मास टू एप्लीकेशन फोर्स। ग्रेविटी बोल सकता है हर कोई ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट जो भी मास रखता है, ग्रेविटी अप्लाई करता है। ग्रेविटी मैग्नेट आती है, कहां पर होती है? उस पे। और
कहां पे हम इक्वेटर पे, ठीक है। तो बस यही था मास।